माफिया के लोग सिर्फ सरकारी जो दफ्तर है इस विषय में, जैसे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे उनके लोग सिर्फ मौजूद नहीं है, पुलिस प्रशासन में उनके लोग मौजूद है, साधारण प्रशासन में उनके लोग मौजूद है, और कुछ हद तक बाकी सब जगह जहाँ पर सोशल ओपिनियन बनते हैं वहाँ भी इनके लोग पेड लोग हैं, जिनको पैसा देकर तनख्वाह देकर के सुविधा देकर के वो लोग लगते हैं। और स्वास्थ्य दफ्तर के ऊपर में मंत्री भी लिप्त है और मुख्यमंत्री भी लिप्त है, तो मैं समझता हूँ जैसे तहकीकात नीचे की तरफ जानी चाहिए वैसे तहकीकात ऊपर की तरफ भी जानी चाहिए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले की जांच जारी है। सीबीआई लगातार इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई कई लोगों से इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले के आरोपी संजय रॉय से पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। वहीं इस मामले में कोलकाता अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर भी कई खुलासे हो रहे हैं। संदीप घोष इस पूरे मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में अब संदीप घोष को लेकर एक डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है। संदीप घोष को लेकर इस डॉक्टर ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि संदीप घोष किसी टीएमसी नेता से कम नहीं है। इस दौरान सीपीएम नेता और डॉक्टर फुआद हलीम ने कहा कि संदीप घोष ये सब अकेले नहीं कर सकते, अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कि ये तो काफी गंभीर आरोप है और ये बात स्पष्ट है कि संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से अपना पूरा काम को अंजाम दिया करते थे, उनका एक बड़ा जो ग्रुप ऑफ पीपल उनके साथ थे वो अकेला इसको अंजाम नहीं देते थे। जैसे आपने कहा, अगर ये आरोप है कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट से या पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से डेड बॉडी को इधर उधर हेराफेरी की जा रही थी, तो यकीनन उस डिपार्टमेंट के लोग भी इनके साथ जुड़े हुए थे। उनके साथ एक बड़ा एक माफिया जैसे उन्होंने इंतजाम कर लिया है। जो आरोप आ रहे हैं, गंभीर आरोप आ रहे हैं कि छात्रों से पैसे लेकर के उनको MBBS का जो क्वेश्चन पेपर्स और जो पास करने की जो सुविधा है वो उस तरीके से इंतजाम कर रहे थे, इसके लिए स्टूडेंट्स के अंदर में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज को थीसिस जमा देने के लिए पैसा जमा देना पड़ता था, पास कराने के लिए उनका एक हाथ रहा करता। जिस तरीके से गंभीर आरोप आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज नहीं, बाकी सब मेडिकल कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस के माफिया के जो लोग हैं वो लोगों को वहां सरपरस्त बनाए गए, उन्हें सुपरिंटेंडेंट, उन्हें प्रिंसिपल का पद में उनको बहाल किया गया है, और वो लोग निचले स्तर पर अपने एक पूरे टीम के जरिए से ये गैरकानूनी काम को अंजाम दिया करता है। और मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ तहकीकात नहीं होनी चाहिए, इस तहकीकात के तह पर पहुंच करके सभी आरोपी को दंडित करनी चाहिए। और ये जो पैसा ऊपर की तरफ पहुंच रहा था और इस केस में जैसे संदीप घोष के पास जो पैसा पहुंच रहा था, ये पैसा संदीप घोष के ऊपर किसके पास जा रहे हैं उसका भी तहकीकात होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे राज्य के इसकी जो स्वास्थ्य दफ्तर है उन्होंने जिस तत्परता के साथ, जिस शीघ्रता के साथ 42 डॉक्टरों को ट्रांसफर करने की कोशिश की, इस पूरे खून और जो धर्षण है, जो यहाँ पर बलात्कार है, बलात्कार की घटना के बाद आरजीकर में, मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य दफ्तर के लोग भी इसमें लिप्त हैं और स्वास्थ्य दफ्तर के ऊपर में मंत्री भी लिप्त है और मुख्यमंत्री भी लिप्त है, तो मैं समझता हूँ कि जैसे तहकीकात नीचे की तरफ जानी चाहिए वैसे तहकीकात ऊपर की तरफ भी जानी चाहिए। सर, आप एक डॉक्टर हैं, इतना बड़ा एक अस्पताल में नेक्सस चलाना, इतना स्कैम करना, क्या ये मतलब रूलिंग पार्टी या सरकार के सपोर्ट के बिना संभव है? मैं समझता हूँ कि ये पूरा एक माफिया है और ये माफिया के लोग सिर्फ सरकारी जो दफ्तर है इस विषय में, जैसे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे उनके लोग सिर्फ मौजूद नहीं है, पुलिस प्रशासन में उनके लोग मौजूद है, साधारण प्रशासन में उनके लोग मौजूद है, और कुछ हद तक बाकी सब जगह जहाँ पर सोशल ओपिनियन बनते हैं वहाँ भी इनके लोग पेड लोग हैं, जिनको पैसा देके तनख्वाह देकर के सुविधा देकर के वो लोग रखते हैं। और ये माफिया जिस तरीके से काम कर रही है, उस माफिया का काम करने का जो
तरीका है उसमें पॉलिटिकल जो रिक्वायरमेंट है, पॉलिटिकल जो सपोर्ट है, ये बहुत अहम हो जाता है और पॉलिटिकल लोग इसमें लिप्त है। पॉलिटिकल लोग वही हो सकते जो पावर में है, और वर्तमान पश्चिम बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस पावर में है, तो तृणमूल कांग्रेस के लोग इसमें यकीनन लिप्त है। संदीप घोष तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े सपोर्टर रह चुके हैं, उनके छवि सामने आई है जहां वह तृणमूल के अलग अलग कार्य में वो शामिल थे, वो खुशी मना रहे हैं जब तृणमूल कांग्रेस की जीत हो रही है। तो ये सब एक साथ मिलकर के ये कह रही है कि वो तृणमूल का आदमी है, तृणमूल का सुविधा लिए हैं, तृणमूल का सपोर्ट लेकर के उन्होंने अपनी गैरकानूनी काम को अंजाम दिया। इस दौरान डॉक्टर फुआद ने ममता सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि ममता सरकार प्रेशर में एक्शन ले रही है। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार और संदीप घोष को लेकर भी कई अन्य खुलासे किए हैं। वर्तमान परिस्थिति बंगाल में एक प्रेशर कुकर का माहौल उन्होंने अपनाया है, और बंगाल में जिस तरीके से तापमात्रा और प्रेशर बढ़ रही है, वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए कभी कभी वेल्व सरकार खोलती है। और मैं समझता हूँ ये एसआईटी गठन करने का जो कार्य है वो वर्तमान परिस्थिति में जो प्रेशर, जो दबाव तृणमूल कांग्रेस के ऊपर बनी हुई है, सरकार के ऊपर में जो बनी हुई है, उसे प्रेशर रिलीज करने की एक कोशिश है। हकीकत ये है, अगर क्रम चक्र आप देखिए तो संदीप घोष को कई एक बार प्रिंसिपल पद से हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने आने वाले प्रिंसिपल को अपने घर में ढुकने से ही रोक दिया, उन्होंने गेट में ताला लगा दिया। उसके बाद कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि नए प्रिंसिपल को वापस जाना पड़ता है और संदीप घोष फिर अपना पद पर बहाल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप उन्हीं के अस्पताल में जिन्होंने सुपरिंटेंडेंट पद या डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पद में आसीन थे, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं आपके वेंडर्स के बारे में, आपके अर्थनैतिक दुर्नीति के बारे में। कई एक उनके जो कार्य है जो दुर्नीतिग्रस्त है, उनके घोटाले के बारे में उन्होंने लिखित रूप में स्वास्थ्य दफ्तर को बताया, लेकिन हम देखते हैं कुछ दिन बाद उनको क्लीन चिट मिल जाती है। उसके बाद राज्य सरकार इस दबाव में पड़ करके अब ये सीट गठन कर रही है। ये सीट का लक्ष्य क्या है, सीट कितने दूर तक जाएगी, वो आने वाले वक्त बताएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि घटनाक्रम को आप देखें तो संदीप घोष तृणमूल कांग्रेस की मदद से इन तमाम कार्य को अंजाम दिया है, और ये जो बच्ची की हत्या और बलात्कार हुई है उसमें भी उनका जो हाथ है वो लिप्त है, वो सामने आने वाली है। इसके साथ ही डॉक्टर फुआद ने कोलकाता पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि वो डॉक्टरों के खिलाफ तो एक्शन लेती दिख रही है, लेकिन संदीप घोष पर कोई एक्शन नहीं लेती है। देखिए, इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से अपना विचार उन्होंने सामने लाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये समझ अपने आप में कर ली है कि पश्चिम बंगाल में जो प्रशासन है, विशेष करके जो पुलिस प्रशासन है, वो जो आरोपी है, जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में 9 अगस्त के बाद तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रही है, वहां पर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन न हो उसके लिए वो लोग तत्पर है, और जो लोग आंदोलित है उनके ऊपर पुलिस प्रशासन, साधारण प्रशासन दबाव बना रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अंदाजा लगा करके कल अपने जो ऑर्डर है उसमें कलकत्ता पुलिस और साधारण प्रशासन को फटकारा है। उन्होंने कहा है सीधे तरीके से कि जो लोग आंदोलित हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने वक्त 10 बार सोचनी चाहिए। तो ये बात तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात को अपनाया है वो हकीकत अभी पश्चिम बंगाल का है कि आप अगर आंदोलन कर रहे हैं, आप चिकित्सक हो, आप साधारण जनता हो, आप प्रतिवादी हो, तो आपके ऊपर में दबाव होगा, और आप अगर यहाँ पर गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, आप वहां पर तोड़ भांग कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं करेगी।